अरे बाप रे, बहुत बड़ा केकड़ा है सही में। ये दे रहा है कैमरा में? हाँ दिखाई दे रहा है, तुम निकालो। वाह वाह, खतरनाक। वहां से गड्ढा खोदे तो केकड़ा इधर से निकला गाइस सही में। अरे बाप रे, दिखे केकड़ा। तो गाइस कल है मंतोष मामा की शादी और आज हम केकड़ा पकड़ रहे हैं फुल एंजॉय के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं अभी भी गांव में हूँ और आज है 17 तारीख, तो कल 18 तारीख को मंतोष मामा की शादी है। तो आज के दिन बहुत काम रहेगा घर पे। ये मैं अभी मंतोष मामा के घर पे ही हूँ, मौसी अभी काम करने जा रही है। तो चलो देखते हैं अभी पूरी चिल्लर पार्टी। देखिए कैसे रे, क्या विटान का भी पातलू। पातलू तो ये पातलू किए। तो गाइज अभी मैं आया था नानी के घर पे मस्त फ्रेश फ्रेश होके। अभी हम फिर से जा रहे हैं मंतोष मामा के घर पे, पैदल पैदल जा रहे हैं। ये मेरी छोटी बहन। और यहाँ पर गाइस देखिए, ये जो भुट्टा है ना, भुट्टे का अभी हार्वेस्टिंग चल रहा है, फसल की कटाई हो रही है। अब यहाँ से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये पूरा खेत में बहुत भुट्टा लगाए हुए थे। गाइस बचपन में ये एक पेड़ था जो सबसे ज़्यादा डरावना पेड़ है। अभी भी डरते हैं काफ़ी सारे लोग, ये छोटे छोटे लोग अभी भी डरते हैं ये पेड़ से, क्योंकि यहाँ पर भूत रहता है बोलते ये पेड़ में। बहुत सालों पहले ये पेड़ में कोई तो भी फांसी लगाया था बोलते। तो गाइस आप लोगों को अगर बेल के बारे में पता होगा तो देखिए, ये वाले पेड़ में पत्ते से बड़े बड़े बेल है और पूरा हाईलाइट बेल ही हो रहा है। बहुत सही दिख रहा है ये दिखने में। तो गाइज मैं अभी आया हूँ मंतोष मामा के घर पे और यहाँ पर एक रसम चल रहा है, और मतलब रसम हो चुका है। देखिए मामा भी आए इस गांव से, आज ही सुबह पहुंचे। तो ये रसम को क्या बोलते हैं, आई गुरु ना, आई बुड़ो। तो ये रसम को बोलते हैं आई बुड़ो भात। अभी कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब देखिए मंतोष मामा की शादी है ना कल, तो हर डिश एक एक प्लेट में सजा के मस्त तरीके से चावल भी सजा के मंतोष मामा को खिलाने के लिए दिए हैं अकेले में। तो मंतोष मामा का अभी खाना चालू है। मंतोष मामा अभी खाना खा रहे हैं, हम भी अभी खाना खा लेते हैं, हमको भी भूख लग चुकी है। खाने में है शायद से मच्छी की सब्जी और चावल। फिलहाल तो गाइस अभी खाना वाना कंप्लीट हो गया है और अभी हम सभी लोग जा रहे हैं कहीं तो भी एंजॉय करने के लिए। कहाँ जा रहे हैं मेशो? हम जा रहे हैं अभी नदी में नहाने के लिए और केकड़ा पकड़ने के लिए। मौसा जी केकड़ा पकड़ने के लिए जाने वाले हैं। ऐसा हाथ डालेंगे, ऐसा निकालेंगे, साइज वाला बताएंगे आपको। तो अभी हम चल रहे हैं नदी में फुल एंजॉय करने के लिए। कड़कती धूप में एंजॉय करना मतलब बहुत बड़ी बात है, इतना भयानक धूप है। ओ फाइनली हम पहुंच चुके हैं नदी में और देखिए नदी का व्यू कितना जबरदस्त है। मौसा जी और ये हम सभी लोग जा रहे हैं नदी में नहाने के लिए गर्मी के अंदर, और मैं तो स्कार्फ बांधा हुआ हूँ। अभी हम जाने वाले नदी के उस पार। पानी तो कुछ भी नहीं है, पिछले बार जब आए थे ना तो पानी बहुत अच्छा ही पानी था, लेकिन अभी तो कुछ भी पानी नहीं है और धूप के कारण तो हाल बेहाल हो जा रहा है। बहुत भयानक धूप है, बहुत ज़्यादा। फिलहाल तो देखिए मैं अभी उतर चुका हूँ नदी में। क्या करें गाइस, अभी मैं कपड़े नहीं लेके आया, मामा जी मौसा जी सभी लोग आ रहे। गाइस देखिए अभी मस्त सफ़ेद रेत के ऊपर आ गया हूँ। अगर बिना चप्पल के आता था ना, अगर समझो मैं यहाँ पर खाली पैर आता था तो पूरे पैर के तलवे जल जाते थे। बहुत ज़्यादा गर्म है ये रेत। मामा लोग भी आ रहे हैं। फाइनल लोकेशन पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे मस्त पानी है और इधर उधर पानी के अंदर यहाँ पर पत्थर है ही नहीं, पूरा रेती है। यहाँ मैं पहले भी बहुत बार आया लेकिन बहुत सालों से आया नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत पानी अभी बढ़ के था, अभी पानी कम हो गया है। तो सभी लोग अभी यहीं पर नहाएंगे। मस्त लोकेशन है ये वाला, ये देखिए। तो गाइस देखिए अभी हम नदी में तो आ गए, लेकिन नहाने के पहले सबसे मेन काम यहाँ पर मच्छी पकड़ना और केकड़ा पकड़ना है। तो ये मामा जी और वो उधर में, और एक मामा जी देखिए लग गए काम में केकड़ा पकड़ने के। अभी सबसे पहले केकड़ा पकड़ेंगे उसके बाद नहाएंगे, लेकिन मुझे तो पकड़ना आता नहीं, मैं नहाऊंगा अभी फ़िलहाल।
तो गाइस कैसे ये वाला माइक मुझे अभी यहाँ पर अटकाना पड़ा और वहाँ पर मच्छी पकड़ मच्छी नहीं सॉरी केक हाँ किंग साइज केकड़ा वहाँ पकड़ना शुरू है। तो गाइज ये मेरे मामा लोग आंध्रा से आए, ये लोग केकड़ा पकड़ रहे हैं वो कोने में, लेकिन अभी मैं टी शर्ट पे खोल के रखा हूँ ना इसलिए मैंने माइक यहाँ पर अटकाया हूँ। तो अभी हम चलेंगे पानी के अंदर और वो लोग केकड़ा पकड़ रहे हैं ना, तो पूरा आपको केकड़ा पकड़ने का प्रोसेस दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, देखते रहिए पूरा व्लॉग। गाइज ये पानी के अंदर नहीं क्या बहुत बड़े बड़े पत्थर है तो मुझे बहुत संभल के चल के जाना पड़ रहा है, ऊपर से मैं नीचे चप्पल पहना हुआ हूँ, अगर मैं फिसल गया तो मोबाइल माइक वाइक सब डूब जाएगा पानी में। तो पानी के अंदर के पत्थर तो स्लिपरी पत्थर है बहुत, तो संभल के ये चढ़ गया, लो चढ़ गया, चलते हैं अभी। केकड़ा यहाँ पर मिल गया है, बस मैं अपना मोबाइल लाने के लिए गया था, यहाँ पर पूरा प्रोसेस शुरू था केकड़ा निकालने का। अभी यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिए है, ये सब बड़ा केकड़ा ना निकालने के लिए सब्बल चाहिए, सब्बल हो तो एकदम दो मिनट में निकल जाएगा, लेकिन क्या हाथ से निकालना पड़ता है। अब केकड़ा निकाल के दिखाएंगे आप लोगों को। ये जो हमारे भाई साहब है प्रोफेशनल भाई साहब जो सांप पकड़ते हैं हैदराबाद में, किसी घर पे सांप घुस गया ना तो ये भाई साहब जाके निकल के आते हैं, वो भी फ्री में, और सांप को बाके जंगल में जाकर छोड़ के आते हैं। लेकिन इनका ग्लव्स देखिए, ग्लव्स देखिए, प्रोफेशनल ग्लव्स है, केकड़ा पकड़ने का ग्लव्स है, सांप पकड़ते हैं इससे एक्चुअली, अच्छा, ताकि हाथ में ना काट ले। ऑलरेडी एक पकड़ चुके हमने, हाँ ये हमारा अब बोनी हो चुका है, एक ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, इसके अंदर फोड़ के इसके अंदर एक है केकड़ा, हाँ, ऐसे निकाला जाता है केकड़ा। देखिए हम एकदम नदी में, नदी के किनारे ये पेड़ों के बीच में साइड से केकड़ा मट्टी को खोद के निकाल रहे हैं केकड़े को। देखिए अभी डायरेक्ट गड्ढे के अंदर हाथ डाल दिए, बहुत ज्यादा रिस्की है गाइस, सॉरी काट लिया था, बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है। माय गॉड कर देते मागे, माय गॉड ए पिछले डे कांटा तो भागेगा, काट के ये जे यहां से पहले गड्ढा किए उसके बाद यहां से ऐसे ध्यान से काकड़ा कोई लाठी आ गए, उसको बाद में पकड़ेंगे, फिलहाल जो है ना हमारा ये है कि इसको ये ना छूट जाए, छूटने से पहले पकड़ना पड़ेगा। चल ऐसे काकड़ा, ऐसे काकड़ा, ऐसे काकड़ा, ऐसे ऐसे बेरो से बेरो से बेरो से बेरो से ऐसे बेरो से ये तो कुछ निकला, ये तो कुछ निकला, निकला केकड़ा, केकड़ा निकला, वाह वाह, अरे बाप रे बहुत बड़ा केकड़ा है सही में, ये दिखाई दे रहा है कैमरा में, हाँ दिखाई दे रहा है, तुम निकालो, वाह वाह केकड़ा, वाह खतरनाक, वहां से गड्ढा खोदे तो केकड़ा इधर से निकला गाइस सही में, अरे बाप रे देखे केकड़ा, वाह वाह बहुत बड़ा केकड़ा है, वाह वाह क्या भयानक केकड़ा निकाल इतने मेहनत के बाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उंगली काट रहा है कि बहुत बढ़िया, ये दो ये पकड़ 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 नहीं रहा, ये लकड़ी लकड़ी, अरे ये देखो देखो ऐसा है, वो जो पतला ना वो धोते थे, ओ माय गॉड बहुत मजा आ गया। अब इसको एक काम करेंगे, इसको सूप बनाएंगे ऐसे, ये रोस्ट करके खा लेंगे जैसा आप बोलो। तो गाइस अभी वो केकड़े को नहीं क्या थोड़ा सा बांध देंगे ताकि कहीं भाग ना जाए, अभी फिर से दूसरा केकड़ा पकड़ने की तैयारी चल रही है। बाप रे आज केकड़ा पकड़ के ही छोड़ेंगे, जाली जाली आए जाली आए, तो मामा को कोई तो भी जाली मिली है तो मामा ने पूरा जाली खींच डाले, लेकिन अभी जाली में कुछ है कि नहीं चेक कर रहे, शायद से कुछ है नहीं। तो गाइज अभी देखिए मामा जी फुल पावर में अब केकड़ा पकड़ के ही छोड़ेंगे, देखिए कहाँ घुस गए एकदम झाड़ियों के अंदर, झाड़ी वाड़ी पूरा तोड़ ताड़ के एकदम झाड़ियों के अंदर घुस चुके हैं, आज मामा जी केकड़ा पकड़ के ही छोड़ेंगे, ये नदी के सारे केकड़े आज पकड़ लेंगे मामा, देखिए तो घुस कैसे गए, शायद से कोई गड्ढे के अंदर हाथ डाल दिए, अभी देखिए कितना अंदर तक घुस चुके हैं मामा, शायद हाँ गड्ढे के अंदर हाथ डाले, पक्का हाथ डाले, इधर ये मामा जी भी आ चुके हैं। सब्बल रहने से नहीं क्या गाइस बहुत ज़बरदस्त काम हो जाता था, कैसा खोदना पड़ता है ना
उसके कारण अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है बिना सब्बल के। इधर मामा जी भी देखिए केकड़ा पकड़ रहे हैं हल्के में। एक छोटा सा केकड़ा मिला, दिखा दो एक बार कैमरे में। हाँ ये रहा देखिए, एक छोटा सा केकड़ा मिल चुका है। तो गाइस कल है मंतोष मामा की शादी और आज हम केकड़ा पकड़ रहे हैं फुल एंजॉय के साथ। गाइस अभी हम अभी दूसरे साइड जा रहे हैं केकड़ा पकड़ने के लिए। धूप के कारण ये वाला गमछा ऊपर ओढ़ के रखा हूँ और माइक यहाँ पर अटका के रखा हूँ। कैसा बिना माइक के आवाज़ क्लियर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर अभी केकड़ा पकड़ेंगे। पानी जहाँ गर्म है ना वहाँ केकड़ा नहीं मिलेगा गाइस, इसलिए हम दूसरे स्पॉट पे जा रहे हैं। अरे बाप रे, इधर तो बहुत स्लीपर पत्थर। गाइस ये जो पत्थर है ना धूप के कारण इतने ज़्यादा गर्म हो गए कि खड़े नहीं रह पा रहे। और यहाँ पर देखिए मामा जी मौसा जी का एक चप्पल लेके गए मामा जी को इतना गर्मी लग रही थी पैर में, तो मामा जी एक चप्पल मौसा का लेके गए इतना भयानक पत्थर गर्म है सोचो। तो गाइस मैं फिर से और एक बार पानी के नीचे आ चुका हूँ और मेरा माइक देखिए पानी से कितना दूरी पर है, बस इतना सा ही डिस्टेंस है। अगर पानी में चले जाएंगे तो माइक हो जाएगा ख़राब, लेकिन सामने पे पानी गहरा है ना। बस इतना ही है। अरे तो माइक कैसे लाओ? नहीं नहीं आ जाएगा, आजा मेरे तरफ आजा। माइक माथा चूल्हे लगाओ, तैरना आता है कि नहीं? मोबाइल कैसे लाओ? तैरना आता है, मोबाइल कैसे लाओ? गाइस ये साइड के तरफ नहीं गया, गहरा पानी है और मैंने माइक निकाल के रखा हूँ क्योंकि मैं भी अभी गले के ये गले तक के पानी तक मैं अभी आया हूँ, तो वहाँ पे जा रहे हैं। और व्यू देखिए कितना जबरदस्त व्यू है, यहाँ से कैमरे में कितना जबरदस्त सीन दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए पूरा चारों तरफ पानी ही पानी, कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा, पानी ही पानी। मुझे देख लीजिए एक बार कि मैं अभी कितने पानी तक हूँ। पत्थर आ गए गाइस अभी नीचे, पत्थर आए तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, अगर गिर भी गए तो मोबाइल भी जाएगा माइक भी जाएगा, व्लॉगिंग करने के लायक नहीं रहेंगे फिर। A few moments later. ठीक है गाइस अभी केकड़ा पकड़ना हो गया है, अभी हम थोड़ी देर और इंजॉय करेंगे, नहाएंगे मस्त। मामा जी को देखिए कितना ऐसा मजा तो बीच में भी नहीं मिलता होगा मामा, क्या ऐसा सीट ये है नेचर का सीट, ये नेचर का सीट है। जय श्री राम, जय श्री राम। कसम से मामा कल व्लॉग देख लेना आप, तुम यहाँ सोके हो और व्यू इतना गजब व्यू आ रहा है कि क्या ही बोलूं। फिलहाल तो गाइस अभी हमारा तैरना नहाना मस्ती करना केकड़ा पकड़ना सब कुछ हो गया है कंप्लीट। अभी हम जा रहे हैं फिर से हमारी गाड़ी के पास, हमारी गाड़ी वहाँ पर है, वो बाकी दो तीन जन अभी आने के हैं पीछे में है, हम दो जन अभी जा रहे हैं, वो बस वो थोड़ा सा पहाड़ चढ़ना है गाड़ी के पास, फिर गाड़ी में जाके मैं आप लोगों से बात करता हूँ। ये देखिए अभी मामा चढ़ रहा है सीढ़ी कैन लेके, और ये पेड़ का व्यू इतना बढ़िया आ रहा है ना गाइस, सही में लाजवाब व्यू है लाजवाब। फिलहाल अभी हम निकल चुके हैं नहा धो के घर के लिए, बहुत ज़्यादा थक गए गाइस, गर्मी इतनी हो रही है कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो गाइस अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ मंतोष मामा के घर पे। अरे वाह पैंडल भी लग चुका है बढ़िया, मौसा जी वगैरह, अरे गर्मी की वजह से सब पागल है। अभी जल्दी से नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं फिर से। फिलहाल तो गाइस अभी मैं नानी के घर पे आ गया हूँ, नहा धो के मस्त फ्रेश हो गया हूँ। आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग में बहुत मजा आया होगा, मजा आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बस गाइस कल के दिन तबीयत खराब भी होना चाहिए क्योंकि आज हमने पूरा दिन घूमे ना धूप में, वो भी बहुत ज़्यादा धूप था, बहुत ज़्यादा। मुझे भी व्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आया, तो आप लोग लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना नए लोग। तो ठीक है गाइस अभी मिलते हैं जल्दी से अगले वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।